हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? दिस इज कौन कुमार गुप्ता। स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 6.1। ठीक है ना? यहां पर हम लोग देखते हैं कि 6.1 को शुरू करने से पहले सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रेंट में थोड़ा सा एक बार और हम लोग जानकारी लेते हैं। क्या है देखो, ध्यान से देखो, मैं कुछ फिगर्स ड्रा कर रहा हूं। इन फिगरों को ध्यान देखो, जैसे एक सर्कल है, ठीक है, और सर्कल के साथ एक स्क्वायर है ना। एक सर्कल हो गया, एक स्क्वायर हो गया। फिर हमने यहां पे कर लिया एक स्क्वायर, और स्क्वायर के साथ दूसरा स्क्वायर ले लिया, ठीक। तीसरा हमने क्या कर दिया, एक सर्कल और एक बड़ा सर्कल ले लिया, ठीक है ना। तो अब इस तीनों फिगर में, यानी इसका एक ग्रुप ये देखिए ध्यान से, एक ग्रुप ये देखिए और एक ग्रुप ये देखिए, इन तीनों फिगर में आपको क्या दिखाई दे रहा है? ध्यान से देखेंगे, ये आपका जो दोनों शेप हैं, वो आपके शेप क्या है, आपके डिफरेंट है। क्या है? डिफरेंट शेप है, ठीक। और मान लीजिए इसका एरिया जो है, इसका एरिया सपोज कर लेते हैं 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और इसका एरिया जो है वो 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है। समझ आ गया? तो डिफरेंट शेप का है, और ये 30 ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, 30 ले लेते हैं दोनों का। मान लीजिए ऐसा आ जाए, 30 आ जाता है, या इसको भी 36 ले लो, इसको भी 36 ले लो, तो यहां क्या आ जाएगा, सेम साइज का हो गया, एरिया सेम हो गया। तो डिफरेंट शेप हो गए, एरिया सेम हो गया, यानी सेम साइज का हो गया। यहां पर क्या है, सेम साइज का है, और अगर हमने इसकी 4 4 सेंटीमीटर की ले ली, और इसके भी 4 4 4 ले ली, तो क्या हो जाएगा, सेम साइज और सेम शेप, शेप भी सेम हो गया और साइज भी सेम हो गया, ठीक है। यहां पे आते हैं, यहां पे क्या कहेंगे, दोनों सर्किल हैं, सेम शेप है, लेकिन इसकी रेडियस 2 सेंटीमीटर है और इसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर है, सपोज करो, तो क्या हो जाएगा, शेप क्या हो जाएगा, सेम तो शेप है लेकिन साइज डिफर है, डिफरेंट साइज का है। तो इनमें हम क्या कह सकते हैं कि कौन से फिगर कॉन्ग्रेंट हैं और कौन से फिगर सिमिलर हैं? समझ आ रहा है ना? ध्यान देखो भाई, यह फिगर किसी भी तरीके से, ये दोनों फिगर किसी भी तरीके से ना तो सिमिलर हैं और ना ही कॉन्ग्रेंट हैं। समझ आ रहा है ना भाई? ये आपका स्क्वायर है, ये आपका सर्कल है। सर्कल और स्क्वायर क्या आपस में सिमिलर हो सकते हैं? नहीं। और यहां पर आपका डिफरेंट, भले ही सेम साइड है ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, नॉट नॉट सिमिलर एंड नॉट कॉन्ग्रुएंट। ये वाला सेट आपका ना ही सिमिलर है ना कॉन्ग्रुएंट है। यहां पे देखेंगे सेम साइज का है, ठीक है, आपके इसके हाइट मतलब ये साइड जो है सेम है, और शेप भी सेम है, यानी दोनों स्क्वायर है, तो यह आपका क्या हो जाएगा, सिमिलर फिगर होगा, सिमिलर शेप यानी सिमिलर फिगर होगा। और जब करेस्पॉन्डिंग साइड्स भी सेम ही है, दोनों सेम है, तो यह कॉन्ग्रुएंट भी होगा, कॉन्ग्रुएंट भी होगा। तो बोथ क्या कह सकते हैं, बोथ सिमिलर एंड कॉन्ग्रुएंट, ठीक। यहां पे देखते हैं, यहां पर आपका सेम शेप है लेकिन साइज क्या है, डिफरेंट है, तो यहां पर हो जाएगा सेम, अगर सेप है भाई, आपको बताया गया था कि सारे सर्कल आपके सिमिलर होते हैं, स्क्वायर भी आपके सिमिलर होते हैं, और कॉन्ग्रुएंट इक्विलेटरल ट्रायंगल वो भी आपका सिमिलर होते हैं, तो भाई ये क्या हो जाएगा, ये आपका सिमिलर होगा, ये फिगर दोनों सिमिलर होंगे, लेकिन लेकिन क्या हो जाएगा, ये आपका कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, नॉट कॉन्ग्रुएंट, नॉट कॉन्ग्रुएंट, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो एक्सरसाइज चलते हैं, हम लोग शुरू करते हैं, क्या होगा,
ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एक्सरसाइज शुरू करते हैं, क्वेश्चन नंबर वन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन वन बोल रहा है फिल इन द ब्लैंक्स विद यूजिंग द करेक्ट गिवन ब्रैकेट, ठीक है ना। ब्रैकेट में दिया गया है, उसको देखते हुए, उसको देखते हुए आपको इसको सॉल्व करना है ना। देखिए 6.1 है क्वेश्चन वन। क्वेश्चन वन क्या है, ऑल द सर्किल्स आर, सर्किल्स क्या होते हैं, ऑल द सर्कल्स आर। अब ये बताओ क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा सिमिलर होगा। अगर सेम साइज का है, सेम शेप का है तो कॉन्ग्रुएंट, लेकिन आल की बात कर रहा है तो आल सर्कल में तो आप ऐसा भी सर्कल हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है ना। ये तो ये क्या है, ये कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते हैं। क्या हो जाएंगे, ये सिमिलर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ये सिमिलर। तो आप कहां पे टिक करोगे, सिमिलर पर टिक करोगे, ठीक है। सेकंड, सेकंड ये तो फर्स्ट हो गया, सेकंड क्या बात कर रहा है, ऑल स्क्वायर्स आर, ऑल स्क्वायर्स आर। अब स्क्वायर का भी वही हाल है, एक सेंटीमीटर का स्क्वायर ले लो, दो दो सेंटीमीटर का स्क्वायर ले लो, थ्री थ्री सेंटीमीटर का स्क्वायर ले लो। अब यहां रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है, आप समझ रहे हैं स्क्वायर बनाना है। तो आल स्क्वायर क्या होगा, आर स्क्वायर और सर्कल क्या होते हैं आपके, सिमिलर। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा, ठीक है ना। तो दो हो गए आपका। थर्ड, थर्ड क्या है, आल, आल अभी कौन सा ट्रायंगल दिया है, ट्रायंगल आर सिमिलर, सिमिलर कौन सा ट्रायंगल होते हैं, कौन सा ट्रायंगल सिमिलर कहलाते हैं, ठीक है। तो क्या कहेंगे, इक्विलेटरल, इक्विलेटरल ट्रायंगल जितने भी होंगे, जैसे स्क्वायर है उसी तरह आप इक्विलेटरल ट्रायंगल भी ले सकते हो, छोटा ले लो बड़ा ले लो, मतलब तीनों साइड सेम होनी चाहिए, ठीक है, तीनों साइड सेम होनी चाहिए। इस तरीके से क्या कह सकते हैं कि हमारे जो है ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स क्या होते हैं, आपके सिमिलर होते हैं। फिर क्वेश्चन फोर पे चलते हैं, इसके पार्ट फोर पे चलते हैं। पार्ट फोर कह रहा है क्या, टू पॉलीगॉन ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स, कोई भी पॉलीगॉन सेम नंबर ऑफ साइड के हैं, ठीक है। अब आपका कोई भी हो सकता है, आपका क्वाड्रिलेटरल भी हो सकता है, भाई फोर साइड्स के हैं, पॉलीगॉन है, टू पॉलीगॉन सेम नंबर ऑफ साइड्स के हैं ऑफ सिमिलर, इफ ये आपस सिमिलर कब होंगे, या ट्राइंगल ही ले लो, ये भी तो पॉलीगॉन है, तो ये दोनों आपके सिमिलर कब होंगे, कब होंगे। यहां पे दियर करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंगल के बारे में क्या बताया गया था, एंगल्स के बारे में क्या बताया गया था, आपको याद है ना, एंगल्स क्या होने चाहिए, इक्वल, एंगल्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। और साइड क्या क्या होते थे, साइड्स क्या होते थे, साइड्स क्या होते थे, प्रोपोर्शनल होते थे। क्या हो जाएगा, साइड्स प्रोपोर्शनल। तो भैया एंगल आपके इक्वल होने चाहिए, करेस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है, जैसे जो एंगल है आपस में, जैसे ये इसके, ये इसके, ये इसके, ये इसके, क्लॉक वाइज चलो, ठीक, यहां पर ये इसके, ये इसके, और ये ट्रेन वाला इसके, है ना, यहाँ पे आप क्लॉक वाइज या डिक्लॉक। तो अगर एंगल दोनों के सेम है तब होगा आपका इक्वल एंगल होगा, तो सिमिलर होगा, साथ में साइड सेम प्रोपोर्शन में होंगे, तब आपके ये दोनों फिगर क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन वन कंप्लीट होता है, सीधे अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू पर। गिव टू डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ, पहला है सिमिलर फिगर्स। आप बताओ सिमिलर फिगर के एग्जांपल्स देने हैं आपको, तो सिमिलर फिगर के आप देनी अपने आसपास के भी एग्जांपल दे सकते हो, या फिर आप कोई भी एग्जांपल दे दो। तो सीधी सी बात है भाई, सिमिलर फिगर के बारे में क्या बताया गया, कोई भी दो सर्कल ले लो, ये क्या होते हैं आपस में सिमिलर होते हैं, कोई भी दो स्क्वायर आप ले लो, वो आपके क्या होते हैं, वो भी आपके सिमिलर होते हैं, कोई भी दो इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लो, वो भी क्या होते हैं आपके सिमिलर होते हैं। तो समझ आ गया, तो ये आपके फिगर क्या हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं, है ना। क्या लिखेंगे, इक्विलेटरल टू एक यहां पे लिख सकते हो, पहला एग्जांपल टू सर्कल्स, टू स्क्वायर्स, टू टू
इक्विलेटरल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, अलग अलग मत ले लेना, आइसोसेलेस और स्केलर मत ले लेना, ठीक है, इक्विलेटरल होगा तभी होगा सेम, नहीं तो आप कहो तो सर आपने ट्रायंगल बोला, कोई भी ट्रायंगल ले लो ना, दोरी आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल ही लेना है, ठीक है ना। सिमिलर के बाद क्या पूछ रहा है, नॉन सिमिलर फिगर। अच्छा अब पूछ क्या रहा है, नॉन सिमिलर फिगर, दूसरा क्या पूछ रहा है, नॉन सिमिलर फिगर। भाई अगर नॉन सिमिलर फिगर ले रहे हो तो क्या ले सकते हैं, इसको हम इधर ना करके इधर करते हैं तो ज्यादा अच्छा दिखेगा, है ना, ये आपको समझ आ गया होगा ना। यहाँ पे क्या ले सकते हैं, टू सर्कल, टू स्क्वायर, टू इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, ट्रायंगल। आप नॉन सिमिलर क्या ले सकते हो, कॉम्बिनेशन बदल दो, ले लो, पहला हम ले सकते हैं सर्कल एंड स्क्वायर, ले लो एक सर्कल ले लो और साथ में एक स्क्वायर ले लो, तो ये तो नॉन सिमिलर फिगर हो गए ना, सीधी सी बात। दूसरा रोम्बस ले लो और रेक्टेंगल ले लो, ठीक है, दूसरा क्या ले लो, रोम्बस एंड रेक्टेंगल ले लो, ये लो ऑल साइड इक्वल करके एक पैरेललोग्राम ले लो, है ना, कोई भी आप फिगर ले सकते हो, रोमस में आउटसाइड इक्वल होते हैं, ठीक है, ये आउटसाइड इक्वल ले लिया और पैरेललोग्राम ले लिया, या ट्रेपेजियम भी ले सकते हो लो, ऐसे करके ट्रेपेजियम ले लो, ये भी आप दिखा सकते हो कि ये नॉन सिमिलर फिगर है। अब सिमिलर फिगर में आप सिक्के दिखा सकते हो, क्वाइंस, ये कई तरीके है, 10 रुपए के सिक्के है ना, वो तो कॉन्ग्रेंट भी हो जाएगा, ठीक है ना, कोई भी सिक्का ले लो, 10 का सिक्का ले लो और 50 पैसे का सिक्का ले लो, 1 रुपए सिक्का, 5 रुपए सिक्का, देखने में तो गोली होता है ना, सर्कल होता है, ये हो गया। दरवाजे ले लो, विंडो, आपके जो रूम में दरवाजे होते हैं एक जैसे दिखाई देते हैं, फैन के आप क्या लेते हो, पंखे ले लो, ले सकते हो, पर है ना, ये भी आपके सिमिलर ही होते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे एग्जाम्पल आ गए सेकेंड के। इसके बाद हम लोग चलते हैं थर्ड नंबर पर, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 क्या है, ध्यान से देखेंगे समझ में बहुत बढ़िया आएगा। स्टेट वेदर द फॉलोइंग कोऑर्डिनेटर्स आर सिमिलर और नॉट, ये सिमिलर हैं कि नहीं है ये आपको बताना है। तो सिमिलरिटी के लिए आपको क्या क्या चीजें बताई गई थी, याद है ना, क्या क्या बताएंगे एक बार आप लोग, सिमिलरिटी के लिए क्या बताई गई थी, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड करेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम प्रोपोर्शनल, ये चीज आप भूलेंगे नहीं, ये आपको याद रखना ही रखना है कि टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर इफ देयर करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर करेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम प्रोपोर्शन। चलो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 3 यहाँ पे कुछ पैरेललोग्राम टाइप का ऐसे दिया हुआ है, या रोम्बस कह सकते हो क्योंकि साइड साइज सेम दिया हुआ है, ठीक है, 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 रोम्बस है, 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है, फिर साथ में क्या है, PQRS, इसका नाम दिया है PQRS दिया है, एंगल की बात नहीं की है, ठीक, साइड में आपको एक स्क्वायर का फॉर्म में, स्क्वायर क्या है, हाँ स्क्वायर ही दिया हुआ है, एक स्क्वायर ऐसे बना के दिया हुआ है, 90 90 90 90, ठीक, नेमिंग क्या है, A B C और D, ठीक है, ABCD दिया हुआ है, ध्यान से देखो, फॉर सिमिलर फिगर पहली कंडीशन, ऑल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, पहली कंडीशन दी थी, दूसरी कंडीशन ऑल करेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शनल या सेम प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल, ये कंडीशन अगर फॉलो करा दो तो ये सिमिलर है, अगर ये कंडीशन फॉलो नहीं करती है तो ये नॉन सिमिलर है, सीधी सी बात है। यहां पे क्या दिया है, 3 3 3 3, ये सेंटीमीटर में आपको दिया गया है, ठीक है,
सेंटीमीटर में दिया हुआ है। एंगल की बात करते हैं, देखो बेटा यहां पर एंगल तो कुछ दिया ही नहीं है, है ना, तो देखने से भी ये 90 तो दिख नहीं रहा है, 90 से कम दिख रहा है, ये 90 से ज्यादा का दिख रहा है। तो अब क्या कह सकते हो, हम किसी एक एंगल को पकड़ लेते हैं, चलो यहाँ पी को पकड़ते हैं, यहां से ए को पकड़ते हैं, तो क्या देखते हैं कि एंगल पी क्या एंगल ए के इक्वल है, नहीं है। एंगल क्यू क्या एंगल बी के इक्वल है, नहीं है, है ना, समझ आ रहा है नहीं। एंगल आर आपका क्या है, एंगल सी के इक्वल नहीं है, और एंगल एस एंगल डी के इक्वल नहीं है। तो सीधी सी बात है, हमारी पहली कंडीशन फॉलो नहीं कर रही है, तो ये हमारा सिमिलर नहीं है। दूसरी आप चेक भी कर सकते हो, फॉलो कर जाए तो कोई बात नहीं। हम अगर पी क्यू लेते हैं, पी क्यू अपॉन ए बी लेते हैं, 1.5/3 आ गया। इसी तरह ए बी के बाद ये पी क्यू के बाद क्यू आर अपॉन बी सी लेते हैं, तो ये भी 1.5/3 होता है, ये भी 1/2 आता है, तो 1/2 आ रहा है, रेशियो सेम आ रहा है, लेकिन कंडीशन दोनों फॉलो करी गई है। तो जब कंडीशन दोनों फॉलो नहीं कर रही, पहला तो हमारा हाँ ठीक है यार है ही नहीं, तो आप लिखेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा, नॉट सिमिलर, क्या हो जाएगा, नॉट सिमिलर फिगर, ठीक है, नॉट सिमिलर फिगर। ध्यान रखेंगे कैसे इसको हम लोग सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों का एक्सरसाइज 6.1 यहीं पे कंप्लीट होता है। समय आपके पास बहुत कम बचा हुआ है, ध्यान से पूरे कोर्स को कंप्लीट करना है और इसका रिवीजन भी करना है, प्रैक्टिस करना है। तो स्टूडेंट्स, वी फोकस ऑन आवर स्टडी, ठीक है, मेहनत को कीजिए और पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।